Good evening, folks. We're back on the Goelganga Pure Delight page. And today I'm personally very, very excited because we have with us two guests who are highly experienced bankers. Now, as average people, going to the bank is not something that qualifies as part of a hobby. It doesn't qualify as something that we like to do. We go there because we need to. And even then, most of us have no idea about the questions we are going to ask, about what we need to find out. So I have with me today two gentlemen who put together offer us about 100 years of combined experience in the banking industry. And that's absolutely huge. It's my great pleasure to introduce to all of you today Hemant Mushrifji, who is the ex-DGM of Bank of Maharashtra, and Rakesh Kumar Relanji, who retired as the branch banking head of HDFC. And before that, he was AGM, State Bank of India. I'm not going to take too much of your time before I hand the conversation over to them. Let's start with Mushrifji. Yes, ma'am. Please. हमारे सुनने वालों के लिए आपका जो जर्नी आपकी जो जर्नी रही है उसके बारे में बताइए, आपके एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, और आपने बैंकिंग में कितने साल गुजारे हैं और क्या क्या किया है उसके बारे में बताइए प्लीज। बिल्कुल, नमस्ते। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि कोविड के लिए सभी लोगों ने अपने अपने खुद की जिम्मेदारी रखनी चाहिए और कोविड से लड़ना है, डरना नहीं है। मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र से 42 साल से एसोसिएटेड हूँ। 1975 में पासबुक राइटर और पार्ट टाइम क्लर्क के रूप में मैंने बैंक ज्वाइन किया था, जो मैंने नवंबर 16 में मैं रिटायर हो गया एज ए डिप्टी जनरल मैनेजर इन टॉप मैनेजमेंट। और ये जर्नी के बारे में, मैंने कई ब्रांचेस में जोनल हेड बोल के काम किया है, ऑल सेक्टर्स में काम किया है। दिल्ली मैं बिजनेस में भी था मैं, और लास्ट में मैं इंदौर से रिटायर हो गया। पर्टिकुलरली मैं बताना चाहूँगा हाउसिंग सेक्टर के बारे में कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 2011 में एक सेल्स अलग सा सेल स्थापन किया था, जिसका नाम मार्च था, महा रिटेल क्रेडिट हब। एंड मुझे ओके यह सौभाग्य मिला कि वो महा रिटेल क्रेडिट हब का आर्किटेक्चर मैं हूँ, और पहला सेल बैंक ऑफ महाराष्ट्र का पूना का सेटअप करने का सौभाग्य मुझे मिला, जो एफसी रोड पे स्थित है। और ये इसके जरिए से बिल्डर्स के साथ, कई लोगों के साथ, रिटेल बायर के साथ काफी मुलाकातें होती रही, और इसका मुझे अनुभव मिला। मुझे मेरा सही में सौभाग्य, मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे लोगों की सेवा करने का यहाँ मौका मिला। सर, दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दिस। थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दिस। अच्छा, मैं आपको बताना चाहती हूँ सर कि जो पूना में रहने वाले और पहले से ही रहने वाले लोग हैं, जो हम खुद को ओरिजिनल रेसिडेंट्स ऑफ पुणे समझते हैं, तो हमारे लिए कई सालों तक बैंक जाना मतलब बैंक ऑफ महाराष्ट्र जाना होता था। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एक बहुत ही अलग स्थान है हम सब लोगों के दिल में, एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट यू हियर टू स्पीक अबाउट योर एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस विद द बैंक ऑफ महाराष्ट्र। 42 years ऑफ बीइंग एसोसिएट विद द बैंक, आई थिंक दैट्स द काइंड ऑफ स्टफ दैट लेजेंड्स आर मेड ऑफ। स्पीकिंग ऑफ लेजेंड्स, वी नाउ हैव राकेश कुमार रेलन जी। सर, ओवर टू यू। प्लीज टेल अस अ लिटिल अबाउट योर सेल्फ, योर जर्नी, योर एक्सपीरियंस इन बैंकिंग, एवरीथिंग। थैंक यू लीना जी। सी, गुड इवनिंग एवरीबडी। आई एम राकेश कुमार रेलन। आई रिटायर्ड एज ब्रांच बैंकिंग हेड फ्रॉम एचडीएफसी बैंक, एज शी हैज ऑलरेडी टोल्ड एवरीबडी। अर्लियर आई वाज विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आई हैव सीन अ जर्नी ऑफ ऑलमोस्ट मोर देन 41 years इन बैंकिंग। इन 1978 आई ज्वाइंड, एंड देन डिसम्बर 19 आई गॉट रिटायर्ड फ्रॉम एचडीएफसी बैंक। That too after an extended stint of 6 months that HDFC Bank gave me. Housing sector, I'll say that I have been associated for a very long time. I still remember the days when nobody took housing loan. I can still recall 94, 95. One gentleman came to me and asked about housing loan, and we were all struggling to figure out the process, how to give the housing loan. That was an era when people, when they will retire, they will build their own houses, they will get their provident fund and other
investment, savings, whatever they have done, and then they will ask their children to contribute, and then actually get a house for their old age. And I remember at that point of time, it was 18% rate of interest that nobody was willing to take. I'm going to stop you right there. I want people to hear this one more time. How much was the rate of interest, sir? It was 18% at that point of time. 18%. Okay. Yeah. Really good. And I still remember that I had to actually recast the entire housing loan document. I was at that point of time heading State Bank's Ville Parle West branch. And that gentleman, he was very desperate to buy one house. And there was no other source. And yes, HDFC Limited, they are pioneers in giving housing loans. And they actually started this trend. And after that, within 2 years or 3 years of time, we could see that a lot of people coming in and buying the houses on by taking loan. So this is the kind of journey that I have seen. And then State Bank, that they got into business and the real competition started. And then we could see the rate of interest coming down. And to be frank, in between when there was a turmoil in Western countries and that lending that had gone burst. And mortgage value, as far as banking is concerned, they didn't give any kind of leverage to them, and it was treated as zero value for mortgage of any house or land. And the banks had to actually face a lot of tough time to do lending for housing loan, and because you have to keep certain margins for your loans given. And it was zero, and they had to provide for make all the provisions. But still, the government has been very kind, the RBI has been very kind, and then we could see a lot of people coming in. And first they started for their own use, then they started using it for the investment purpose, and then again the scenario has changed. And today we are in an era where people are actually looking for their shelter, and investment is a thing of past, I'll say. We had that insurance thing coming in. Earlier we had vanilla insurance. Then came the concept that I'm investing so much, I'm not getting anything, I must get some returns. And the insurance companies, they were also very smart. And they started investing in ULIP plans and market-linked investments. And after that, again, today the era is that I want safety, security for myself, my children. And again, the people are shifting to traditional plans, which are actually providing them insurance. So if I compare housing sector, insurance sector, I feel the mindset, which was once for their own need, for their own shelter, for their own safety and security, it had moved towards investment, because man is always hungry. They want more and more every day. But now with COVID, again, the things have come back to normal track. No, I want shelter, safety, security, and both ways. Now the things are moving in the same way. If you look at, I'll say, COVID time, if you are living on a rented house, what will be your feeling that your agreement is getting over and where you will shift? And your landlord, he knows that, yes, you are trapped now and he wants exorbitant rent. Where will you go? So these things have actually changed the mindset of today's human being living in India or anywhere you may say, and they want to have their own houses, and the rate of interest, it is fabulous. Today I'll say, if this was the rate of interest, the real estate would have been at different levels, 94, 95 times. When it was 18%, then it went down to 16% and all. Completely agree with you. Yes. Rilindri, we completely agree with you. I think you made some two or three extremely important points. One of the first things that, again, I want to bring our viewers, I want to focus their attention on, is this whole journey from 18% to what it is just now. Of course, I'm going to turn to you now, Mushtafji, to talk about what the interest, rate of interest is just now. But even before we go to Mushtafji, what I want to thank you for saying, Rilindri, is that we have come a full circle. We used to want to buy a house for our own needs, and then we started getting a little more ambitious than that, and we bought homes for investments. But today, you're absolutely right. We're back at that stage
where each one of us is saying, do I have the right kind of shelter for my family? I think if the pandemic has taught us anything, it has taught the value of our own house, our owned property, and which is why I think I'm grateful that you made the point so early on in our conversation. Mushtafji, I must turn to you and ask you about your experience. Of course, you have also seen the era of 18% interest. और आज इंटरेस्ट क्या है सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट आज क्या है? देखिए मैडम, रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बोलने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि पहले लोगों को लगता था कि मेरे नसीब में घर है कि नहीं, इसलिए हाथों की रेखाएं देखी जाती थी और पॉलिश के पास जाते थे, मेरा घर है क्या, मेरे नसीब में है क्या, मेरे बेटे के नसीब में है क्या। ये वो सब चेंज हो गया। एंड इसका रीजन क्या है? इसका रीजन दो है, एक बैंकर्स और दूसरे बिल्डर्स। ये दोनों का जिस तरीके से मेल मिलाप हो रहा है उसकी वजह से जो है आजकल अपने हाथों की रेखाओं से नहीं, अपने हाथों से, मजबूत हाथों से ये आदमी अपना खुद का घर बना लेता है। ना एक बार बना लेता है, वो दूसरा सेकंड ऑप्शन भी लेता है, दूसरी बार भी घर बना लेता है। इस तरीके से होता है, खाली रेट ऑफ इंटरेस्ट से वो देखते नहीं है। मेरा यह अनुभव है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में जब मैं था, जैसे ऑफिसर या क्लर्क से था, तब से लोन के मेले लग जाते थे और हाउसिंग लोन के पर्टिकुलर मेले लग जाते थे। हाउसिंग लोन के मेले में हम स्पॉट सैंक्शन भी देते थे लोगों को। उस वक्त ऐसा रहता था कि जो नए बायर्स है, जो बिल्कुल यंगस्टर है, वो भी जब हमारे पास आते थे बोलते ईएमआई कितना रहेगा, व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट विल बी द रिपेमेंट प्रोग्राम, और मेरी मेरी इतनी दी सर्विस है तो मेरे लिए स्प्रेड का सॉल्यूशन रहेगा क्या। मतलब लोग इतने तैयार हो गया है कि बैंकर्स के शोल्डर्स के साथ साथ उनका शोल्डर भी रह गया है, कि जो दोनों एक लेवल पे आके थिंकिंग लेवल ऑफ थिंकिंग बढ़ गई है, और इसके लिए दे आर वेरी कॉशियस। वो ये नहीं चाहता कि डिफॉल्ट हो, इसका क्यों रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों मांगते हैं लोग, और मेरा ईएमआई क्यों इतना इतना कितना होना चाहिए, वो क्यों मांगते हैं, बर्डन कितना हम ले सकते हैं, डिफॉल्ट नहीं होना चाहता है। इंडस्ट्री में देखिए, बाकी लोन्स में देखिए, लोग डिफॉल्ट की चिंता लोगों की नहीं रहती है। हो गया तो हो गया, डिफॉल्ट क्या करूं। हाउसिंग लोन में ऐसा नहीं होता है, हाउसिंग लोन में आदमी डिफॉल्ट नहीं करता है, उसका खुद का घर होता है। जब भी घर घर पे कोई जब्ती आती है, लोग वहाँ वसूली के लिए आते हैं, तब उनको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि घर एक सपना रहता है अपना, और अपना शेल्टर रहता है, वो शेल्टर कहीं नहीं जाए, इसलिए लोगों की इच्छा रहती है। और अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसी रही है, वो पॉलिसी के मुताबिक रेट ऑफ इंटरेस्ट, अभी पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट लिंकअप था, अलग अलग लेवल पे लिंकअप था, अपने अपने बैंक अपना अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बनाते थे। अभी सब यूनिलेटर हो गया, रेपो रेट जो है उससे लिंकअप रहा है, उसकी वजह से एक लोगों में ट्रांसपेरेंसी आ गई है। कि नहीं तो पहले लगता कि ये बैंक मुझे डुबा देगी क्या, वो डुबा देगी क्या, ऐसा स्टडी किया जाता था, ऐसा नहीं है, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल रही है, उसकी वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट पे काफी फर्क पड़ा है। और मैं ये बताना चाहूंगा कि ठाकरे गवर्नमेंट ने आज ही डिक्लेयर किया है स्टैम्प ड्यूटी, उन्होंने कम कर दी है, बहुत फर्क पड़ेगा। इस तरीके से गवर्नमेंट कोई भी हो, राज्य सरकार हो या भारत सरकार हो, जो जिस तरीके से सामने आ रहे हैं कोविड के इसमें, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट खाली अकेला नहीं लेकिन बाकी चीजें भी, जो लोग घबराए हुए आजकल, दो उनको उसमें से रिलैक्स करने के लिए ये चीजें हो रही है। बहुत थैंक यू टू बोथ गवर्नमेंट्स, मैं ये कहना चाहूंगा। दूसरी बात ये बताना चाहूंगा कि बायर्स दो प्रकार के होते हैं, एक बिंदास बायर रहते हैं, बिंदास बोलूंगा मैं इसको, और दूसरे कॉशियस बायर रहते हैं। बिंदास बायर जो रहते हैं वो सब चीजें का ध्यान रखते हैं और ले लेते हैं घर, कोई ज्यादा अभी कोविड सिचुएशन है, प्रॉब्लमेटिक है, उसमें भी वो ले लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन जो कॉशियस बायर्स है वो अभी घबराए हुए हैं कोविड की वजह से, कि मेरी नौकरी हाथ से निकल जाएगी क्या, मैं अगर इंस्टॉलमेंट समय पे न भर पाऊंगा तो कैसे, किस तरीके से होगा, दे आर रियल बैंक। लेकिन इनके लिए भी जिस तरीके से बिल्डर्स गवर्नमेंट ये सामने आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपने शायद आप तो जानती हो कि आप बिल्डर्स लाइन में हो, कि जो अभी कुछ प्रोजेक्ट्स इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग घबराए हुए हैं कि मैं किसी प्रोजेक्ट में अगर पैसा लगाऊंगा तो प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा, क्योंकि कामगार लोग नहीं है, वो निकल गए हैं, प्रोजेक्ट का पैसे की कमी हो गई है। तो इन कंप्लीट प्रोजेक्ट इज अ वेरी बिगेस्ट प्रॉब्लम, मोर देन दिस इंटरेस्ट प्रॉब्लम। तो ये मेरा प्रोजेक्ट नहीं होगा तो कैसा होगा,
लेकिन गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी स्टेप ली है, उन्होंने इन्फ्यूजमेंट ऑफ फंड किया है, 25,000 करोड़ उन्होंने दे दिया है, उसकी वजह से ये ऑटोमेटिकली ये प्रोजेक्ट पूरे हो जाएंगे। और महारेरा बहुत ही अच्छी स्कीम आ गई है, इसकी वजह से एक विश्वास लोगों के बायर्स के मन में आया है कि मेरा कोई तो सुनने वाला है, मेरी ढाल है कि मैं लड़ सकूंगा, इसलिए हाथ में तलवार लेते हुए वो आगे बढ़ रहा है जोर से और लेना चाहता है। मैं बाद में बात करूं इसके बारे में कि क्या होना चाहिए। आई थिंक मुशरफ जी, मेकिंग अगेन यू मेड 3 or 4 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जो सुन रहे हैं उनके लिए मैं आपके पॉइंट्स समराइज करती हूँ। थैंक यू फॉर मेकिंग दिस पॉइंट्स अगेन अर्ली इन दिस कॉन्वर्सेशन। तो मुशरफ जी ने पहले कहा कि पहले हम हाथ की रेखा देखते थे कि हाथ की रेखा में घर है या नहीं, और मुशरफ जी कहते हैं कि आज माहौल ऐसा बन गया है, ये सारी इकोनॉमी ऐसी बन गई है कि हमें हाथ की रेखाओं की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, अपने दोनों मजबूत हाथों से हम घर बना सकते हैं, डरने की कोई बात नहीं है। डरने की बात क्यों नहीं है, क्योंकि एक तो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, कोविड के जमाने में भी, इनफैक्ट स्पेशली कोविड के जमाने में, बायर का कंफर्ट और बायर की सेफ्टी गारंटी करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उनमें से स्टैम्प ड्यूटी, जैसे आज हमारे राज्य सरकार ने डिक्लेयर किया है स्टैम्प ड्यूटी, उन्होंने जो उसमें चेंजेस किए, लाखों रुपए बचेंगे बायर्स के उसमें। इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, मेरा सवाल आपसे यह था कि आज रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। खैर, मैं रेलन जी के पास फिर से जाऊंगी, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायनेमिक। थर्ड, यू से महारेरा एक ढाल बनी है बायर के लिए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात मुश्तफ जी मुझे ये लगी कि जब अतुल गोयल बात करते हैं तो वो हमेशा हम सबसे कहते हैं कि दो तरीके के बायर होते हैं, एक होता है स्मार्ट बायर, एक होता है स्केर्ड बायर। मुझे बहुत खुशी हुई आपसे भी यही सुन के कि एक होता है बिंदास बायर, एक होता है कॉशियस बायर। और बाजी हमेशा वो जो बिंदास बायर होता है वो मार लेता है, वो बाजी मार जाता है। तो यू नो, वी मस्ट ऑल लर्न टू ड्रॉप द फियर्स। आई थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग दीज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बट आई मस्ट, बिकॉज यू आर बैंकर्स, आई मस्ट आस्क यू टू एक्सप्लेन टू आर वास्ट ऑडियंस कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 18% था वो आज कितना है, और उससे मेरे बजट में, मैं बायर हूँ तो मेरे बजट में क्या और कैसे फर्क पड़ता है। रेलन जी, ओवर टू यू। थैंक यू लीना जी। जहां तक इंटरेस्ट का सवाल है, अभी इंटरेस्ट तो आई फील इट्स ऑन द लोएस्ट साइड राइट नाउ इन द हिस्ट्री, 6.5 से 7.5% के बीच में, डिपेंडिंग ऑन योर सिबिल स्कोर। आज की डेट में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो दे रहे हैं। इफ यू लुक एट योर ओन क्रेडिट हिस्ट्री, दैट डिसाइड्स व्हाट काइंड ऑफ facilities, what kind of benefits you can have. And I feel the listeners and people on this call, they are all aware ki aaj ki date mein humari credibility ke upar bahut depend karta hai. And same thing is being honored by all the financial institutions. As far as rate of interest ko agar main link karu apni day-to-day buying ke andar, agar aaj main 7%, 7.15, 7.10 ya 6.75, whatsoever rate I'm giving, it's a band of 1% which it varies. Then you just look at the rate of inflation. If it is 5 to 6% and I'm paying a rate of interest of 7%, exactly how much I'm paying for my house? It's hardly 1%, 1.25%. Because if you don't buy your house, then anyway, 6%, your money is getting eroded by way of inflation. So today buying house is a win-win situation for everybody. Now you look at if you keep the money in your fixed deposit. Sir, stop. You're making very important points for lay people like us. Please say one more time what you said about rate of inflation, because I think it's a phenomenally important point. We just don't realize that 6% of our hamari jo punji hai wo 6% ghatti hai. Rate of inflation means ki 6% ghati. Ye fir se please aap ek baar samjhaiye. See, today it is between 5 to 6% the inflation that we are facing. So if I'm paying a rate of interest of 7%, if I had not spent this money or I had not borrowed this money and bought this house, anyway, my cost would have gone up by 5 to 6% because of inflation. See, if I don't buy my steel, my cement,
everything that I use in my housing, it's bound to go up. So I'm waiting and I'm actually contributing in escalation of costs. So today, if I'm buying, then definitely I'm saving on this. Whatsoever is buying power today for me, that is going to increase only by purchasing a thing. And if I don't purchase, my money is actually deteriorating. If you invest the money in fixed deposit, you will get how much? Around 6-6.5%. That's the best the banks are paying. Yeah. So you are not getting anything and you are paying tax on that. Here you are saving tax also. That 1% also gets compensated with the tax. Whatsoever income you are having, you get rebate on your housing repayments, interest repayments. So if you compare that, even that 1% is taken care. So virtually you are actually you're allowing your money to retain its buying power or value of money. So this is what is very important for us to understand, that today if I look for the options as an investor, I feel I should not go in that thing. I should look at what is my need, what is the future of my family, and how I can ensure that my family is safe and secured for next 15, 20, 30 years, till the time we choose to upgrade ourselves or we choose to move from one place to another place. And then staying at one place, that definitely creates your own market value, your own contacts, your social circle. Everything gets improved once you are staying, and when you will stay, when you have your own house. And if you are having a good builder who can support you, who can give you good constructions, good amenities, good facilities, I feel it's a boon, and you get actually a good neighbors, and your social surroundings, they help you in building your own family life, and you have a better future for your family. So all these things, by staying at one place, having your own place, the perspective of the people who meet you, it immediately changes. And on the front of money, you get secured. So if I look at this journey of buying a house, in fact, to be frank with you, wheresoever I have been posted for last, I'll say 2-3 postings. First, I have purchased the house, and then I have started my professional career over there. I was in Indore, I had purchased over there. I came to Pune, I purchased over here. My first option was that I don't want to live in rental houses. I want to have my own. And that has really paid me a lot, because you can amend the inside of the house to your choice, to your taste, and your life. It becomes so easy for you. And there is no tension in the mind that, yes, tomorrow this landlord will be on my head. He will ask me to vacate the house. 3 years, he is getting panicky that I will not be staying over here for long, and I should not create any trouble for you. So all these things made me think, and I prefer to purchase. And I have seen that if I have purchased it, or if I had kept money in the bank, then I would have lost if I would have kept money in the bank. By purchasing the house, I have actually ensured that I have created some wealth for me and my family, rather than spending it I have a feeling of that, okay, this is gone. No, it's not so. So in my opinion, rate of interest today, it is very, very competitive. And if you look at the investment opportunities outside this, and people say that now today, this real estate price is not going up. Fine, it's not going up, but whether it is going down, no. And whether it will go down in future, it cannot. As I told you, that because of inflation, cost of everything is going to increase. But yes, in the process that you want to have a house with lower price, you will have to move further away from the city, and you will lose on the amenities that you may enjoy today by buying a house in today's state, rather than just waiting, and it is not going to come down. I still remember in 2007, 2008, there was a huge slump in the market. Yes. And everybody was expecting that prices will just come down. It never happened. And especially in Mumbai, Pune, everywhere, I have seen that prices have never come down. The reason, the only funda is
because the cost of everything connected. If somebody is working with any infrastructure industry, say cement, are the employees going to compromise on reducing their salaries? No. Every year they will ask for some enhancement in their salaries. Whether government is going to bring down the cost of electricity? No. So what will happen? The cost will increase. If that cost, the raw material cost is going to increase, but obviously the cost of your finished product will also increase. So it always makes a sense that today is the right day to purchase if you are really willing and you are the one who want to use it. So users, they should not think twice, but they should go ahead and go and buy for them. This is what is my experience and my advice. Amazing, Rilanji, amazing. Again, you've made some three or four extremely important points. Allow me to summarize them for our viewers. Biggest question Rilanji asked is, if any one of us is working in the cement industry, is it even possible for us to think that our salaries, we will say, ठीक है, ये कोविड आ गया ना, आप हमारी सैलरीज अगले 5 सालों के बाद आप कम कर दो. नहीं होने वाला, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. सो नथिंग इज गोइंग टू गो डाउन. ऑल एवरीथिंग विच फीड्स इन टू द रियल इस्टेट इंडस्ट्री, दोज कॉस्ट आर गोइंग टू इंक्रीज. इन्फ्लेशन एग्जिस्ट, इट्स लाइक ग्रेविटी, यू कांट आर्ग्यू इट, इट एग्जिस्ट. And we have to understand how to make use of inflation by understanding it. Another point that Rilanji made is that keeping your money in the bank is losing money. And don't do it. He says you're going to use your if you're going to use a house, if you care about how you live, how your family lives, how your children grow up, how whether your parents are well taken care of, if you care about all of that, then today is the time to go out there and make that decision, because if you don't make that decision now, you are going to have to pay more when you eventually make the decision. You're going to have to compromise on location. You're going to have to compromise on amenities. You're going to have to compromise on total space. You're going to have to compromise on all of these things. If you don't want to do that, you go out there and buy your home now. We have with us Rilanji and Mushrifji, who have seen 18% rate of interest. They are telling us that when rate of interest is between 6.5% to 7.5%, it is a historic period in this entire landscape. And we're not going to have this opportunity again. We're not going to be given so many incentives. The government is literally incentivizing all of us to go out there and make buying decisions. If we don't do it now, there's going to be only one loser, and that loser is going to be us. So Atulji always says this. I'm sure a lot of other real estate developers say it. They say ki aisa koi ghar nahi hota jo bikta nahi hai. Ghar bik hi jata hai. Aise bahut log hote hain jo duniya mein ghoomte phirte hain ki yaar us samay khareed liya hota na to acha kya hota. Aise bahut sare log hote hain. And that is the kind of regret that we carry with ourselves throughout our lives if we don't make decisions at the right time. Mushrifji, I want to know from you, what is the kind of advice that you would give to especially young first-time home buyers? Main sawal isliye kar rahi Mushrifji, kyunki pichle thode saalon mein humne dekha tha ki trend thoda badal raha tha. Log kehne lage the ki are rent pe reh lenge lekin badi gaadi khareedenge, foreign travel karenge, and you know, लाइफस्टाइल के ऊपर खर्चा करेंगे. और पिछले 4-5 महीनों में हुआ ये कि लाइफस्टाइल खत्म हो गई, सिर्फ लाइफ बचा. तो लाइफ के लिए क्या करना जरूरी है, आप बताइए सर. बिल्कुल, एक मजाक की बात बताना चाहता हूँ. मेरा बेटा अभी शादी के लिए बच्चा लड़की ढूंढ रहा है. लड़कियों की तरफ से यह क्वेश्चन आता है कि आपका घर है क्या, मतलब कितने प्रोएक्टिव हो गए लोग. ओके, जो यंगस्टर है उनमें ये उम्मीद जगी है कि मेरा खुद का घर होना चाहिए. पहले ऐसा होता था कि वडिलोपार्जित प्रॉपर्टी कहा जाता था, जिसमें आपने बाबा दादा से बाबा, बाबा के पास अपने पास, अपने पास अपने बेटे के साथ वो प्रॉपर्टी चली जाएगी, जाती रहेगी, बस वही प्रॉपर्टी रहेगी. लेकिन आजकल नहीं, ये यंग जनरेशन है, प्रोएक्टिव है, उन्हें पहले ही दिन मोबाइल चाहिए. मोबाइल के तो पहले सबसे पहली जरूरत है उनकी घर, घर होनी ही होना है, खुद का घर होना चाहिए. और वो बोलते हैं माता पिता जी बोलेंगे कि मेरे में घर में आप आइए, मेरे घर में रहिए, आप आपका ही ये घर है. इस तरीके से वो प्रोएक्टिव है.
देखिए, मैं एक पॉइंट जो अभी ये डिस्कशन में लूज हो गया था वो मैं बताना चाहता हूँ कि घर लेने से और कुछ फायदे ऐसे होते हैं कि इनका इनकम टैक्स बेनिफिट्स काफी होते हैं। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 लाख तक एग्जम्पशन होता है उसमें, और जो आप इंस्टॉलमेंट भरोगे वो भी तुम्हारी इनकम से कम हो जाता है। तो इस तरीके से प्रॉफिटेबल होता ही होता है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आगे चलकर भी चलती रहेगी। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो अभी कम हो गया है, जैसे सर ने बताया कि वो एक सिनेरियो इसी तरीके से चलता रहेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपॉजिट का जो है 5% हो रहा है, 5% अभी पहले सेविंग का रहता था उससे भी ज्यादा कम हो गया ये। तो ये सबसे यंगस्टर के लिए जरूरी है कि घर का अपने घर के बारे में बिल्कुल सोचे। अब और दूसरी चीज ऐसी है कि 30 साल तक उन्होंने इंस्टॉलमेंट का पीरियड रखा है कम से कम, और भले 30 साल तक आप रिपे करते रहे तो उसके पहले करने की कोशिश करें, नो नो प्रॉब्लम। और जैसे दो दो चीजें ऐसी है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और तुम्हारा इंस्टॉलमेंट जो है वो स्टैटिक रह जाता है, और दूसरी तरफ से महंगाई और तुम्हारी सैलरी दोनों बढ़ती है। और एक करेक्ट स्टेज ऐसी आती है 3-4 साल के बाद, एक स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, कि 3-4 साल के बाद आप इजीली इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं क्योंकि आपकी सैलरी करेक्ट उस तरीके से बढ़ी हुई रहती है और वो आपके बिल्कुल कैप में आ जाता है। जब ईएमआई का क्वेश्चन आता है और मंडप लग जाते हैं, लोन के मेले लग जाते हैं, उस वक्त लोग सोचते हैं कि अरे मेरा तो 60,000 होता है और 30-40,000 हाउसिंग लोन नहीं चला जाएगा, फिर मेरे पास कुछ रहा है रहेगा नहीं। नो, डोंट थिंक लाइक दैट, क्योंकि आप आपके इनकम आगे जब बढ़ने वाले हैं, इनकम टैक्स बेनिफिट बढ़ने वाला है। यहाँ आप अभी कहीं भी जाए, पुणे जाओ, मुंबई जाओ, या छोटे शहर में भी जाओ, आपको जो किराया देना पड़ता है बहुत काफी है, और वो किराया आप कभी कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं, और इसकी वजह से आपको लगता है कि अरे नहीं, घर लेना बहुत मुश्किल है। लेकिन वो कंसोलिडेट किया जाए, इनकम टैक्स बेनिफिट प्लस तुम्हारा किराया और तुम्हारे घर का सुकून, ये चीजें जो अगर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके लिए बहुत ही सस्ता पड़ेगा ये घर लेना, और बहुत ही जरूरी है आपके लिए। भले आप सेकंड होम का थॉट करो ना करो, आजकल ये यंग जनरेशन सेकंड होम के बारे में भी सोच रही है, और एक एडिशनल लोन लेने के लिए। मैं एक बार कभी कभी घर लेने के बाद लोगों को रहता है, ये जैसे मराठी में बोलते हैं चार भिंतींचे घर, चार भिंती म्हणजे घर नसतं, घरातल्या माणसांनी घर बनतं, आणि घरातमध्ये घर घेतल्यानंतर फर्निचर पाहिजे, बाकीचे इक्विपमेंट्स पाहिजे। तो इस बरोबर तरह हो सकता क्या है, तो आजकल बैंक प्रोएक्टिव हो गई है और कंज्यूमर लोन्स देती है घर के साथ में, और जो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो देते हैं, और टॉप अप लोन भी देती है। अगर कोई अगर पहले 5 साल में 4 साल में अगर जो को रिपेमेंट आप करोगे वो हिसाब से आपको टॉप अप लोन मिलता है, इजीली मिलता है, और उसके लिए एडिशनल सिक्योरिटी की जरूरत नहीं थी, आपकी सिक्योरिटी तो है ही बैंक के पास, उसके आधार पर आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको ये कंज्यूमर लोन मिलता है, टॉप अप लोन मिलता है, जिसमें से आप ये चीजें कर सकते हैं। हाल ही में जो कोविड की सिचुएशन आ गई थी तो बहुत सारी जगह पर लोगों को ऐसा लगा कि अब मेरा छप्पर टूट गया, मैं किस तरीके से रिपेमेंट करूंगा। लेकिन देखिए, स्टेप्स ऐसे हो गए कि पहले 3 महीने और बाद में 6 महीने के लिए मोरेटोरियम बढ़ा दिया। अगर आगे आगे भी हो सकता है कि ये सब मोरेटोरियम पीरियड बढ़ाया जाएगा। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट जो का डिसीजन वो अभी चल रहा है, वो केस मोरेटोरियम पीरियड के बारे में उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूछा है कि इस पर कुछ लाइट आप प्रकाश डालिए कि कौन इसका पेमेंट करेगा या इसको माफी दी जाएगी क्या नहीं, उसका भी डिसीजन शायद पॉजिटिव आ सकता है। इसलिए यंगस्टर्स ने बिल्कुल बिल्कुल सोचना देना ही चाहिए। मैं सोचने का सवाल नहीं, सोचने की चीज अभी चली गई, अब लेने की बात आ गई। लेते वक्त ये दिखाया जाए कि अच्छे सा बिल्डर्स हो और प्रेपर्स अच्छी हो, इजीली मिला मिलना चाहिए। आजकल बिल्डर्स आप बस आप सोचिए कि लेना है मुझे, वहां कहीं भी जाए, कोई मेले में जाइए, बैंक में जाइए, बिल्डर्स प्रोएक्टिव हो गए हैं, वो खुद आके आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, एंड ट्रांसपेरेंसी है, ऐसे फंसाने वाली या दुबाने वाली बात है ही नहीं है। आपको इमीजिएटली जो पेपर चाहिए वो दिए जाते हैं, और आप अफोर्ड कर सकते हैं विदिन 24 आवर्स। कोई तो बोलता है 2 घंटे में लोन सैंक्शन होगा, ये मजाक की बात नहीं, सही में होता है ये मिरेकल से। जब मैं बैंक ऑफ मार्ट से मैंने लोन लिया, थैंक्स टू बैंक, लेकिन मेरा खुद का लोन सैंक्शन होने में मुझे 8 दिन लगे थे, उस वक्त की बात बोल रहा हूँ, जमाने के बाद। आज 24 आवर्स बस क्या है,
ये सब मिनटों का सवाल है, इस तरीके से फास्ट लोन मिल जाते हैं। और देखिए इतनी सारी अगर सुविधा तुम्हारे पास है, अगर आप लोन लेने में आनाकानी करते हो कि नहीं लेना चाहते हैं और आप ट्रेडिशनल पुराने जमाने के में चलना चाहते हो, तो कुछ कोई बोल नहीं सकता है। तुम यंगस्टर है ही नहीं, नए जमाने के युवक है ही नहीं आप सही वाली मजाक वाली बात है। लेकिन ऐसे लोग मुझे बहुत कम मिले, जो मिले में मैंने डिस्कशन बहुत सारे लोगों से किया, लेकिन बहुत प्रोएक्टिव है। कहीं कहीं ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो हमको भी सोचना पड़ता है कि इस पर क्या जवाब दे, किस तरीके से उनका दिमाग चलता रहता है। यस डेफिनेटली ये आगे जाके बूस्ट होने वाला है, भले प्राइसेस कुछ भी रहो, क्योंकि जैसे सर ने बोला कि बिल्डिंग्स की प्राइसेस कम होना मुश्किल है। अगर कोई वेट करना चाहता है कि अभी आपको अभी कोविड आ गया, बिल्डर के पास पैसा नहीं रहेगा, तो कम में बेचेगा, नो डोंट थिंक लाइक दैट। आप आपके हाथ से चांस निकल जाएगा, फिर आप रोते हुए बैठेंगे, कह रहे उस वक्त लिया होता तो क्या होता। सही मैडम आपने जो बताया सही है, उस वक्त का डिसीजन जरूरी है। और जैसे और एक बात बताना चाहता हूँ कि रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स एक होता है, अगर कुछ ऐसी आपदा विपदा आ जाती है कि उस वक्त आप सही में संकट में होते हो, तो आपके पहले बैंकर सोचता है कि संकट में क्या किया जाए, अकाउंट एमपी होना उनके लिए भी ठीक नहीं है, हमारे लिए भी ठीक नहीं है, किया जाता है। और उनकी वॉइस अभी क्लियर नहीं है, व्हाट ही वाज सेइंग, मैं आई जस्ट कंटिन्यू विद दैट, बैंक्स हैं दे ऑलवेज हेल्प यू ऑन ईच एंड एवरी स्टेप, इवन व्हाइल गिविंग द लोन आल्सो, इफ यू फील दैट पहले 3 साल के लिए आप थोड़ा कम इंस्टॉलमेंट देना चाहते हैं, सो दैट एडजस्टेबल इंस्टॉलमेंट इज दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो अवेलेबल। सो पहले 3 साल या 1 साल या 2 साल व्हाट्स एवर यू वॉन्ट, द थिंग्स कैन बी एट लोअर ईएमआई एंड देन देर कैन बी अ स्टेप अप ईएमआई अवेलेबल, द कस्टमर कैन ऑलवेज टॉक टू द बैंकर एंड अवेल दिस फैसिलिटी। नॉट ओनली दिस, एज मुशरफ जी टोल्ड, you have got another facility of personal loan if you are falling short on your margin, or you can have a gold loan which again is available at very very soft prices today, and then there is a top up loan of furniture which is included in the cost, and then total housing loan is calculated. So all these facilities are very much available, and in between also if you require any kind of help, bankers are always ready to provide that. There is no complication in that. It's a very smooth process. Only thing you have to approach with a right perspective and tell the truth to the banker that yes, this is the difficulty that I'm facing and this is how I want to proceed. Only thing is that yes, interest you have to keep on servicing. Otherwise, RBI norms treat it as a stressed asset. So the things go in a wrong way. So that we should avoid. And as far as young generation is concerned, as he already said that we don't require, we'll live on rentals, but then the benefits of living in your own house, they are phenomenal. Living on rentals, you don't have any identity, you don't have any address, you don't have any creditability, you don't have any social circle. So all these things, they matter a lot. As he said that parents of a girl, they wanted to understand whether you own the house or not. I still remember in old days, this was the first criteria that every parent will look at. That my girl is coming over here and they are living in a good, decent, posh house, then she's safe. Her future is safe. Family is safe. And the family belongs to a very decent background. So all these things made a lot of difference. So owning a house and old values, I'll say they are coming back. This is circle of life, which is showing us the same thing that that our parents and grandparents had experienced. So owning a house, yes, it is a matter of compulsion, I'll say. It's a necessity. It is not that I'm buying a BMW or I'm buying a Rolls Royce to show off my money that I have.
it's question that how decently I can live. And I'll also like to give a small share a small experience of mine. I say that if I have a capacity to buy 2 BHK, please go for 3 BHK. Stretch yourself, because okay. Tomorrow, if you want, if you have the need, then you won't have that kind of money available in your pocket to buy another 3 BHK flat. This is the experience that I had. I still remember my first experience when I when me and my wife we had gone to buy a house, and I was inclined to buy only 2 BHK, and that too in Mumbai. And I was really hard pressed, and my wife, she pushed me, no, you have to go for 3 BHK. Like, I will not be left with any money after that. She said, no, we will see, we'll just fight it out. And imagine, later on, when our, as he rightly said, that our salaries increased and we were better off, ultimately a man progresses with every day. And then it was so comfortable. And then living in that house was so, so comfortable that I still relish her decision. I respect her decision that yes, had she not pushed me, then I would not have lived such a comfortable life. So I'll request everybody listening to me that please, if you can stretch yourself, then go for a bigger space rather than going for a smaller space. And the biggest example you will find, the percentage of 1 BHK being constructed in Mumbai today. Earlier, yes. It was a fashion, yes. That yes. Most of people will live in one room kitchen, not even one, yes, BHK, yes, one, yes, room, yes, kitchen. Yes. And today, if you want to find out one room kitchen, it is not available, because people have learned that, yes, they require space. And living like a herd is not an option. So if you can stretch, I'll request everybody to please explore all your avenues and go for a space which will be more comfortable to you rather than just squeezing your assets and keeping it to your heart. Please don't do that. Amazing. Bahut badi baat kahi aapne. And I've thoroughly enjoyed listening to both of you. Mushroom ji, aapki awaaz thodi si cut rahi thi, isliye I had to move to Railan ji, but I'll come back to you. There was some network issues at your end. But for all the people who are listening, what phenomenal advice is, you know, we don't even know who to go to get this kind of advice. So someone's worked in the banking sector for 41 years, somebody else has worked 42 years. So like I said, close to 100 years of phenomenal real life experience in the banking sector. Both these gentlemen are saying that the old values, the old ways of living are coming back. We have to thank the COVID crisis for bringing back what is really important to all of us. Matlab bahut hum sab ne bahut bol diya ki tabahi mach gayi hai, bura ho gaya, kuch bura nahi hua hai, acha hai. The good values are coming back, the old values are coming back. Relan ji keh rahe hai ki it's no longer a question of showing off. You're not buying a luxury car, you're buying something which is an absolute necessity. It is compulsory for you to buy a home for yourself. And and also he has said that if you can stretch yourself right now. So kahin se bhi agar aapne suna hoga ki these are difficult times, these are challenging times, I'm going to ask you to listen to this whole conversation one more time. आप जरूर, आपने अगर अभी लाइव देखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने मिस किया होगा पूरा तो फिर से जाके जरूर सुनिएगा. वी हैव मुशरफ जी एंड रेलन जी टेलिंग अस व्हाई इट इज नॉट ओनली स्मार्ट, इट इज एब्सोल्यूटली क्रूशियल फॉर अस टू गो आउट देयर एंड मेक अ बाइंग डिसीजन फॉर आर होम्स राइट नाउ. एक असा मराठीत म्हणतात तसा असा योग जुळून आलाय, इंटरेस्ट कमी आहे, प्रॉपर्टी प्राइसेस स्टेबल आहेत आणि स्टॅम्प ड्युटी आता कमी झालेली आहे, असा एक योग जुळून आलेला आहे आणि हा योग कधीतरी जुळून येतो. त्यामुळे फॉर ऑल द पीपल हू आर सिटिंग ऑन फेन्सेस राईट नाव, जम्प ऑफ दॅट फेन्स, लिसन टू वॉट दीज टू एक्स्ट्रीमली एक्सपिरियन्स, एक्स्ट्रीमली इन्साइटफुल जेंटलमन हॅव सेट टू अस. When we started this conversation, just before we started, we were back in the studio and I was telling Relan ji and Mushraf ji ki 40 minute lungi main aapke. So 45 minute ho gaye. 45 minute maine unke le liye hai. But then time flies when you're having fun. And this was not only an insightful conversation, it was a very, very fun conversation. Thank you,
रिलिन जी, थैंक यू मुशरफ जी फॉर मेकिंग ऑल दिस कॉम्प्लिकेटेड बैंकिंग फंडास वेरी इजी फॉर पीपल लाइक अस टू अंडरस्टैंड. आई एम श्योर दैट आवर व्यूअर्स हैव लर्न्ड अ लॉट फ्रॉम फ्रॉम द टू ऑफ यू. थैंक यू फॉर गिविंग अस सो मच टाइम, एंड ऑल ऑफ अस आर गोइंग टू बेनिफिट इमेंसली फ्रॉम फ्रॉम योर एक्सपीरियंस. थैंक यू सो मच. इट्स टाइम फॉर मी टू से गुड बाई टू द टू ऑफ यू. आई होप टू कैच अप soon with both of you again. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you.